वाइफ पर चीट करने के लिए एक आदमी एक होटल में आया हुआ था। एक गुंडे को पता चला उसे बहुत मारता है और इसके बाद उसे ब्लैकमेल करने लग गया था। इस गुंडे को जो भी चाहिए इसे पाने के लिए किसी को मारने से भी नहीं घबराता। आगे मूवी में और एक ट्विस्ट आता है जो इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डीरेल्ड ये 2005 की एक हॉलीवुड थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसकी पावरफुल एंडिंग के लिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर चार्ल्स और उसकी फैमिली को देखते हैं। उसकी वाइफ और बेटी है। बेटी को डायबिटीज की बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो इस वजह से उसका ऑपरेशन करने का इन्होंने बहुत बार ट्राई किया है, पर उसकी बॉडी इन ऑर्गन्स को रिजेक्ट कर देती है। एक न्यू मेडिसिन आ चुका था जो बहुत ही एक्सपेंसिव था, पर हस्बैंड वाइफ मिलकर बहुत मेहनत करते हैं। पिछले 7 सालों में इन्होंने सारे पैसों को इकट्ठा कर लिया था। आज जब चार्ल्स अपने काम पर जा रहा था तो अपनी ट्रेन मिस कर देता है। वो बहुत लेट था तो इस वजह से अलग ट्रेन का टिकट भी नहीं ले पाता। डीसी ने उसे पकड़ लिया जो उसे ट्रबल देने वाली थी, पर ट्रेन में और एक लेडी थी जिसका नाम था लुसिंडा। ये सब सुनने के बाद चार्ल्स के लिए टिकट बाय कर लेती है। चार्ल्स फिर से कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, अगर तुमने भी कल यही ट्रेन ली तो कल हम दोनों यहाँ मिल सकते हैं। लुसिंडा मजाक में कहती है कल तो तुम्हें टैक्स वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा। इसी तरीके से इनकी बातचीत स्टार्ट हो गई थी। एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के प्रोफेशंस के बारे में इन्होंने जान लिया। लुसिंडा एक बहुत बड़ी फर्म के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर थी और चार्ल्स एडवर्टाइजिंग में काम करता था। इनका सफर खत्म होने के बाद चार्ल्स ने कहा कल मैं तुम्हें फिर से इसी ट्रेन में मिलूंगा। लुसिंडा कहती है कल हमारी एक डेट हो जाएगी। चार्ल्स को उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में चार्ल्स को हम उसके ऑफिस में देखते हैं। एक न्यू कैरेक्टर हमसे इंट्रोड्यूस होता है, इसका नाम है विंस्टन। विंस्टन यहाँ के मेल रूम में काम करता था। चार्ल्स और वो एक इंसिडेंट के बाद एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। एक रात विंस्टन इलीगली इस ऑफिस से कंप्यूटर चुरा रहा था। चार्ल्स ने देख लिया पर इसे नजरअंदाज कर दिया। विंस्टन इस बात के लिए उसे बहुत ही ग्रेटफुल था। ऑफिस में चार्ल्स की आज एक मीटिंग होती है जिसमें उसे पता चलता है कि एक बहुत ही बड़े अकाउंट से उसे निकाल दिया गया है। वो अपने बॉस पर गुस्सा था, पर उसके बॉस उसे कहते हैं आजकल तुम अपने राइट माइंडसेट में नहीं हो, अपने आप को सुधारो और फिर से तुम्हें अलग अलग क्लाइंट्स मिल जाएंगे। उसके बॉस बहुत ही ईजी कम्फर्टिंग कैरेक्टर थे। चार्ल्स के घर में हम देख सकते हैं कि अपनी बेटी का ख्याल रखते रखते उसकी वाइफ को उसे देने के लिए टाइम ही नहीं होता। ये दोनों हमेशा अपनी बेटी को लेकर टेंशन में होते हैं, तो इस वजह से इंटीमेट भी नहीं हो पाते। अगले दिन चार्ल्स फिर से लुसिंडा से मिला। ये बातों बातों में अपने फैमिली के बारे में एक दूसरे को बता रहे थे। लुसिंडा भी मैरिड थी और भी एक दूसरे के बारे में इन्होंने जान लिया। उसके बाद अपने अपने वे में चले जाते हैं, पर चार्ल्स को उसकी बहुत ही याद आ रही थी, तो इस वजह से जहाँ पर वो काम करती है इसकी वेबसाइट पर उसने उसका नंबर निकाला। उसे कॉल करके रात में डेट के लिए बुला लेता है। लुसिंडा भी यहाँ आ गई थी। चार्ल्स ने लुसिंडा को उसके हस्बैंड के बारे में पूछा तो कहती है वो हमेशा अपने काम से टाउन से बाहर ही रहता है, काम करते करते हम एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते। चार्ल्स ने भी अपनी बेटी की कंडीशन के बारे में लुसिंडा को बताया। उन हस्बैंड वाइफ में अब कुछ भी रोमांस नहीं था। इसके बाद ये ड्रिंक करते हैं और चार्ल्स उसे किस कर लेता है। लुसिंडा ने कहा कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं, आज तक मैंने मेरे हस्बैंड पर चीट नहीं किया है। ये दोनों बात कर रहे थे तभी एक आदमी लुसिंडा को अप्रोच करता है। वो बहुत ही बदतमीज था। चार्ल्स ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो चार्ल्स को भी गाली देता है, तो चार्ल्स ने एक जोर से उसे पंच मारा। इसके बाद ये दोनों होटल के बाहर आए और चार्ल्स फिर से उसे किस कर लेता है। फिर एक कैब में होटल में जा रहे थे। चार्ल्स जो होटल सजेस्ट कर रहा था इसे लुसिंडा मना करती है। एक ऐसे होटल को उसने चूज किया जहाँ पर उसका हस्बैंड ना आए। आकर एक रूम इन्होंने बुक कर लिए। ये इंटीमेट होने लग गए थे तभी वहां पर एक गुंडा पहुंच जाता है। चार्ल्स भी बहुत डर गया, कहता है तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए वो सब तुम ले सकते हो। ये गुंडा सिर्फ पैसे लेकर मानने वालों में से नहीं था, उसने चार्ल्स को जख्मी कर दिया। उसके सामने लुसिंडा को जबरदस्ती करता है। इसके बाद वो यहाँ से चला गया। उसे जब होश आया तो बहुत ही गिल्टी महसूस करता है कि उसी की वजह से लुसिंडा के साथ ये सब हुआ। वो बेचारी बहुत ही ज्यादा अपसेट थी। चार्ल्स ने कहा कि मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। लुसिंडा कहती कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो, मेरे हस्बैंड को पता चल जाएगा। थोड़ी मलम पट्टी करने के बाद ही दोनों काम पर चले गए। चार्ल्स बहुत ही इंजोर था तो उसके बॉस से देखकर कहते हैं कि आज घर जाकर आराम करो, इतना काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। घर आकर वो अपनी वाइफ को बताता है कि एक गुंडे ने मुझे लूट लिया, उसी से फाइट में ऐसा हुआ है। चार्ल्स को फिर से उस गुंडे का कॉल आता है। गुंडे का नाम है लरोश। लरोश ने उसे कहा कि मुझे $20,000 चाहिए, वरना तुम जो भी सब कर रहे थे ये सारी चीजें तुम्हारी वाइफ को मैं बता दूंगा। इसके बारे में डिस्कस करने के लिए चार्ल्स लुसिंडा के पास पहुंचा। थोड़े पैसे लुसिंडा उसे दे देती है, कहती है मेरे हस्बैंड को पता ना चले इस वजह से सिर्फ मैं इतने ही पैसे दे सकती हूँ। चार्ल्स के पास जो भी पैसे थे ये सारी अपनी बेटी की ट्रीटमेंट के लिए है, वो इसमें से कुछ भी पैसे ले ही नहीं सकता। फिर अपने कंपनी के अकाउंट से $20,000 की उसने चोरी कर ली। ये अगले दिन डिसाइडेड लोकेशन पर जाकर लरोश को दे देता है। जाते जाते भी लरोश उसे मार कर गया। चार्ल्स बहुत ही डिस्टर्ब था तो अपने बॉस से बात करता है, कहता है मैंने मेरी वाइफ पर चीट किया। बॉस कहते हैं कि हर कोई चीट करता है, इस बात को तुम ज्यादा सीरियसली मत लो। वर्क ब्रेक में चार्ल्स स्मोकिंग कर रहा था तो उसका फ्रेंड भी उसके पास आया। वो कहता है हाई स्कूल में मैं भी स्मोक करता था, पर फिर ड्रग्स लेने की वजह से मुझे जेल में डाल दिया गया था।
चार्ल्स कहता है कि तुम्हारा जेल में एक्सपीरियंस कैसा था। तो विंस्टन ने उसे कहा कि वहाँ सिर्फ जिंदा रहने के लिए मुझे एक आदमी को मारना पड़ा था। जेल में ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती है। रात में चार्ल्स जब फिर से घर जा रहा था तो उसे लरोश का फिर से कॉल आया, कहता है कि मुझे और भी पैसे चाहिए। चार्ल्स उस पर गुस्सा हो गया, कहता है कि मैंने तुम्हें अभी तो पैसे दिए, अब मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। लरोश कहता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो एक बार मुझे $100,000 दे दो, इसके बाद तुम मुझे फिर से कभी भी नहीं देखोगे। चार्ल्स ने अचानक से रियलाइज़ किया कि लरोश के पास उसका ये नंबर कैसे है। ये कॉल उसे लरोश ने उसके घर से ही किया था। घर पहुंचने पर लरोश उसके वाइफ से इस तरीके से बात कर रहा था कि जैसे वो चार्ल्स का फ्रेंड ही हो। चार्ल्स बहुत डर जाता है। जब उसकी वाइफ यहाँ से चली गई तो लरोश को मारने वाला था, पर लरोश उसे इंजोर करके चला जाता है। चार्ल्स ने सब कुछ बातें अपने लॉयर को बताए, पर लॉयर कहता है कि जब लरोश ने तुम पर पहली बार हमला किया था तभी तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था, अब तुम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। चार्ल्स बहुत ही अपसेट था तो इवनिंग में ड्रिंक लेने के लिए विंस्टन के साथ आया। सारी सिचुएशन उसे बता देता है। विंस्टन कहता है कि कोई भी बड़ी बात नहीं है, मैं जाकर उसे धमका कर आता हूँ, इसके बाद वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। इस काम के लिए चार्ल्स से वो $10,000 मांगता है। चार्ल्स भी देने के लिए रेडी था। चार्ल्स ने फिर से अपनी कंपनी से $10,000 चुरा लिए थे। रात में फिर वो विंस्टन के साथ उस लोकेशन पर पहुंच गया, पर पीछे से लरोश डायरेक्टली विंस्टन को मार डालता है। वो चार्ल्स पर गुस्सा हो गया, कहता है अब मुझे जल्द से जल्द बाकी पैसे भी चाहिए। चार्ल्स यहाँ से निकल जाता तभी वहाँ पर एक सेक्स वर्कर आके उस लेडी को मना कर देता है और विंस्टन की डेड बॉडी को उसने छुपा लिया। पेट्रोल करते हुए वहाँ पर पुलिस भी पहुँच चुके थे, पर विंस्टन की डेड बॉडी उन्हें नहीं दिखती तो वहाँ से चले जाते हैं। चार्ल्स फिर नदी के पास आकर विंस्टन और उसकी गाड़ी नदी में डाल देता है, पर ये पूरी तरीके से नदी में जा नहीं सके, जल्दी से वहाँ से वो भाग गया। अगले दिन इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर चार्ल्स के ऑफिस में आया। वो एक्चुअल में विंस्टन का कज़न था। चार्ल्स प्रिटेंड करता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, डायरेक्ट उससे बात करना चाहता था, तभी उसे लरोश का कॉल आ गया। फ़ोन पर लरोश चार्ल्स को लुसिंडा की चीखें सुनाता है। चार्ल्स डर गया, अपनी बेटी के लिए उसने सब कुछ जो पैसे रखे थे ये सारे उसने बैंक से निकाल लिए। लरोश के लोकेशन पर आकर उसे पैसे वो दे देता है। पैसे लेकर वहाँ से चला गया। लुसिंडा को चार्ल्स के लिए बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि ये सारे पैसे चार्ल्स ने अपनी बेटी के लिए रखे थे। रात में चार्ल्स फिर से डायरेक्टिव से मिला। डायरेक्टिव से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछता है, पर चार्ल्स ने कुछ भी कन्फर्म नहीं किया। वो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहा था तो अपनी वाइफ को बताता है कि सारे पैसे चले जा चुके हैं, पर वो इसे वापस लाने वाला है। अपने लॉयर से उसने बात की, जाकर वो पुलिस को सब कुछ चीज़ें बताने वाला था, पर उससे पहले वो लुसिंडा से मिलने के लिए आया। ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट से उसे पता चलता है कि लुसिंडा उस ऑफिस में सिर्फ एक टेम्पररी जॉब कर रही थी, वहाँ पर उसे कोई भी पोजीशन नहीं है। चार्ल्स इस बात से हैरान हो गया। जिस लुसिंडा के घर पर चार्ल्स ने लरोश को सारे पैसे दिए थे इस जगह पर वो पहुंच गया, तो वहाँ से उसे पता चलता है कि वह घर रेंट का था। घर की एजेंट उसे ब्रोशर दिखाती है। इस ब्रोशर में छोटी बच्ची का जो फोटो था यही फोटो लुसिंडा ने चार्ल्स को दिखाया था। इसका मतलब है लुसिंडा ने उसे जो भी कहा ये सब एक झूठ था। फिर वो लुसिंडा को ढूंढने के लिए हमेशा जो ट्रेन लेती है इस ट्रेन को ढूंढने लग गया। आज लुसिंडा किसी और के साथ थी। इन दोनों का वो पीछा करता है। उस आदमी को जब उसने छोड़ दिया तो लरोश से मिली। एक्चुअल में लरोश उसका बॉयफ्रेंड था। जो भी सब हुआ था ये इन दोनों ने मिलकर प्लान किया था। पूरे दिन चार्ल्स लुसिंडा का पीछा करता है। जिस होटल में उसे लेकर आई थी आज रात फिर से किसी और को इस होटल में लेकर आई है। चार्ल्स ने उनके रूम के साइड का रूम बुक कर लिया। लुसिंडा उस आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी तभी लरोश आकर उस आदमी को धमकाने वाला था। चार्ल्स ने यह सब देखा और लरोश को बेहोश कर देता है। बाहर लरोश का और एक आदमी है पर अब तक उसका ध्यान नहीं गया। चार्ल्स लरोश को घसीटते घसीटते लुसिंडा के रूम में लेकर आया। लुसिंडा जिस आदमी के साथ थी उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। वे चार्ल्स ने उसे सब कुछ समझा दिया। लुसिंडा कहती कि मैं इस आदमी को जानती भी नहीं। चार्ल्स कहता है कि मुझे मेरे सब पैसे अब वापस चाहिए। बात करते करते लरोश को भी होश आ गया। वो कहता है तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस नहीं मिलने वाले। लुसिंडा भी डर गई थी। वो लरोश को कहती है कि पैसे दे देते हैं और हम यहाँ से चले जाएंगे। लरोश चार्ल्स से कहता है कि इसे तो बहुत बुरा लगा था कि तुम्हारे बेटी के पैसे हमने ले लिए। लरोश और लुसिंडा लड़ रहे थे तो जिस आदमी के साथ वो आई थी वो अचानक से इन पर हमला कर देता है। मौके का फायदा उठाकर लरोश ने उस आदमी को मार दिया। वो चार्ल्स को भी मारने वाला था पर उसके बुलेट खत्म हो गए। गोलियों की आवाज़ सुनकर लरोश का आदमी अंदर आ रहा था। चार्ल्स ने उसकी गन ले ली और लरोश को मार डाला। वो आदमी चार्ल्स पर भारी पड़ने लग गया था तभी चार्ल्स ने गन लेकर उसे भी मार डाला। ये सब गोलियां जब चल रही थी तो इसमें लुसिंडा की भी डेथ हो जाती है। थोड़ी देर में यहाँ पर सब पुलिस वगैरह आए। चार्ल्स से जब पूछा जाता है तो चार्ल्स ने कहा कि मैं सामने के कमरे में था, मुझे सिर्फ कुछ आवाज़ें सुनाई दी थी। उस पर कोई भी ज़्यादा शक नहीं करता। जब वो नीचे लॉबी में आया तो उसने नोटिस किया कि लगेज में उसकी बैग पड़ी हुई है। इस पर उसका नाम लिखा हुआ था तो अपनी आइडेंटिटी दिखाकर वो सारे पैसे लेकर चला गया। उस पर किसी ने भी शक नहीं किया। आज जब वो अपने ऑफिस में काम पर पहुंचता है तो उसके बॉस को उसकी चोरी के बारे में पता चल चुका था। बॉस ने चार्ल्स को कहा कि जो भी पैसे तुमने लिए हैं ये तुम वापस कर देना और कोर्ट तुम्हें कोई भी सज़ा नहीं देगा। वो फिर से अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकता है क्योंकि उसका बॉस उस पर ट्रस्ट करता था।
उसे पता था कि चार्ल्स आजकल किसी ना किसी ट्रबल में है, पर वो बता नहीं पा रहा। चार्ल्स भी इस बात के लिए मान जाता है। अब मूवी में थोड़ा टाइम गुजर चुका है, चार्ल्स को सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस मिली, तो अब उसे जेल में जाकर वहाँ के कैदियों को कुछ सिखाना होता है। एक दिन उसने सब लोगों को ऐसे लिखने के लिए कहा था। इसमें उसे एक नोटबुक मिलती है जहाँ पर चार्ल्स ने जो भी किया ये सब कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। नोटबुक के पीछे लिखा हुआ था कि तुम मुझे लॉन्ड्री रूम में मिलो। चार्ल्स के पहुँच जाने के बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि लरोज अब भी जिंदा है। लरोज कहता है कि जब मुझे पता चला कि तुम यही टीच कर रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लरोज उसे मारने वाला था तभी चार्ल्स उसके पेट में एक वुडन चाकू डाल देता है। चार्ल्स ने कहा, मैंने जानबूझकर इसी जेल को चूज किया था। जिस चाकू से उसने लरोज को मारा यही चाकू विंस्टन ने उसे गिफ्ट किया था। फाइनली चार्ल्स ने विंस्टन का बदला ले लिया। लरोज की डेथ के बाद सबकी इन्वेस्टिगेशन होती है। इसका जो डायरेक्टिव था ये विंस्टन का ही कजन है। डायरेक्टिव को सब कुछ बात पता चल गई थी कि एक्चुअल में हुआ क्या था, पर विंस्टन का बदला चार्ल्स ने लिया इस बात की वजह से उसे जाने देता है। सारे एविडेंस को कवर अप कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम चार्ल्स के घर पर देखते हैं कि उसकी बेटी का अब ऑपरेशन हो चुका था, वो अब स्कूल भी जा सकती थी। चार्ल्स और उसकी वाइफ का भी रिलेशनशिप अब रिपेयर हो चुका है। ये सब लोग अब बहुत खुश थे और यही बड़े